हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। तो अभी हम लगा रहे हैं वॉलीबॉल से यार, अभी प्योर प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट। और ठीक है, सो करते हैं इसको स्टार्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करना। और पहले तो एक है पजल है, ठीक है, लेकिन 12 पजल है जो कि ठीक है, ये वाली कर लेते हैं। 12 19 26 12 19 26 12 19 26, 3 3 6 3 9, 12 19 26, 3 3 6 3 9, 3 12। थोड़ी सी लेंथी लग रही है ये, क्योंकि 12 है इसमें। जो नाम लिखे हुए हैं AS जे, कोई और नहीं है, एस से कोई नहीं है, फिर नहीं एस से भी, तो हमें नाम ही लिखने पड़ेंगे इनके। मंथ जनवरी, अप्रैल, मई, जून। जून तो 30 का, जनवरी, फिर मार्च, अप्रैल, फिर मई। इमीडिएट आफ्टर विशाल, बट नॉट इन द सेम मंथ। 1 2 3 बनेंगे इधर, सॉरी, इमीडिएट आफ्टर द विशाल। फिर थ्री पर्सन, थ्री बॉयज जो कि प्रकाश और जितेश। जितेश वो बोर्न इन जून, जितेश आएगा जून में। जितेश अगर जून में है तो जितेश अगर मैं इधर मानता हूँ तो 1 2 3, प्रकाश ये इधर आने तक, प्रकाश एक बार मैं इधर मान लेता हूँ, प्रकाश, विशाल, 1 2 3 इधर आ गया, जितेश। जितेश मॉर्निंग जोन, तो आई थिंक एक ही बनेगा, इससे और अलग कुछ बन ही नहीं सकता। तो विशाल इधर, प्रकाश और जितेश, ठीक है। थ्री थ्री बॉयज वर बोर्न बिटवीन प्रकाश एंड जितेश, वो फोर बॉयज आर बोर्न बिटवीन रवि एंड विशाल। रवि एंड विशाल, विशाल टू बोर्न इन 30, 30 में ये, ठीक है। फोर पर्सन रवि और विशाल, 1 2 3 4, रवि, 1 2 3 4, तो रवि ऊपर ही आएगा ही। और क्या है, रवि एंड विशाल, नाइदर रवि नोर विशाल बोर्न एट लास्ट, एंड बोथ ऑफ देम बोर्न इन अ मंथ विद डिफरेंट नंबर ऑफ डेज। विशाल और, ठीक है, ये भी सही हो गया हमारा। जितेश इज वन मोर देन द, ठीक है, नाइन बोल दिस ने, जितेश इज वन मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। हिंदी पास तो जितेश, जितेश से पहले जन्म लेने वाले लड़कों की संख्या, जितेश से पहले जन्म लेने वालों की संख्या चिराग के बाद जन्म लेने वालों की संख्या से एक अधिक है। इसे पूरी लाइन नहीं लिखी हुई। जितेश जन्म, ओके, ये रहा ना, द नंबर ऑफ द बॉयज बिफोर जितेश, बिफोर जितेश इज वन मोर देन द आफ्टर द चिराग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, चिराग आगे इधर, चिराग इधर, तिलक बोर्न इन मई, तिलक मिसिंग बट नॉट ऑन द सेम डेट एज चिराग। तो तिलक, तिलक इधर आ गया। थ्री बॉयज बोर्न बिटवीन आकाश एंड शुभम, शुभम इज नॉट बोर्न इन मई, तो शुभम इधर आएगा नहीं। शुभम अगर इधर नहीं हो सकता, शुभम इधर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो गई, खत्म हो गई। शुभम ये हो सकता है, शुभम इधर नहीं होता, शुभम इधर नहीं होता, तो शुभम आएगा इधर, 1 2 3। इसके साथ आकाश, आकाश इधर आ गया, बोथ
ईशान एंड दीपक आर बोर्न इन द सेम डेट बट डिफरेंट मंथ। सेम डेट 12/19 भी है, 26 भी है। सेम डेट डिफरेंट मंथ, 26 हमारे पास है नहीं तो 12 ही बनेगा। 12 और 12 ये दोनों है, ईशान और दीपक का। फिर आदित्य इज बोर्न बोर्न इन द सेम मंथ एज दीपक, तो दीपक इधर आ गया और आदित्य, ठीक है। और इधर कौन सा आएगा, ईशान एक बच गया, वो ऊपर वाले में आ जाएगा। वो इन 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को ईशान। वेन इज आकाश बोर्न, आकाश आकाश एरा 26 मई, फिर हाउ मेनी बॉयज वर बोर्न आफ्टर चिराग, 3 3 6 3, 9 हो गए। शशि शशि विशाल दूसरा, फिर शुभम तिलक और जितेश, तिलक जितेश, तो ये 19 19 वो भी 19, तो एक विशाल है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, दीपक जो है 12 जून को, सही है। आदित्य इज द लास्ट पर्सन, सारे ही सही होंगे। फिर सिक्स पीपल हैं सिटिंग अराउंड द ट्रायंगुलर टेबल, सो दैट वन पर्सन सिटिंग कॉर्नर, वन पर्सन आर सिटिंग एज, ऑल आर फेसिंग इनवर्ड, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट वेट, जो कि वही है। और द कॉर्नर एंड द पर्सन ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द इनवर्ड। ठीक है, ये हो गया। डबल द हाइट ऑफ एक्स इज 2 एंड सिट ऑन द कॉर्नर, एक्स एट 2 फिट, एक्स हो गया 2 क्योंकि कॉर्नर पर है। द हाइट ऑफ द जेड इज 1 मोर देन द एक्स, जेड की होगी 3। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, आर और जेड, वन पर्सन आर और वी, आर एंड वी, टी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। द हाइट ऑफ आर इज ट्वाइस, आर की हमारी होगी 6 फिर, ठीक है। द हाइट ऑफ पी इज ट्वाइस ऑफ आर, हाइट ऑफ पी इज 18, द हाइट ऑफ वी 12, 2 पर्सन सिट एक्स और 1 2, एक्स और जेड, जेड की जो है 3 है, जेड की होगी 3, जेड और आर होंगे एक साथ। अब आर और वी में एक का गैप बनेगा, इधर होने जैसा आर और वी में एक का गैप, आर और वी में इधर एक का गैप, पी हमारा है 12, वी आ जाएगा 12, ये खत्म ये खत्म, आर और जेड खत्म, आर और वी खत्म। फिर कौन सा बचता है, इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर, टी और आर एक साथ नहीं होंगे, तो यहाँ पर टी से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, टी से सेकंड टू द पी, इधर आएगा टी, इधर आएगा टी और आर एक साथ में, टी के सेकंड टू द लेफ्ट ये बनेगा। पी कितना है हमारा, 18, तो आर है 6, 6 है 18, फिर 36 बच गया, ये आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट है टी की, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पर्सन हु सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, वी जो कि है 12। फाइंड आउट वी इज रिलेटेड टू द, वी इज रिलेटेड टू जेड, एक्स इज रिलेटेड टू टी, आर इज रिलेटेड टू वी होना चाहिए था, जेड इज रिलेटेड टू आर, पी इज रिलेटेड टू एक्स, सी हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन टी और एक्स एनकाउंटेड राइट ऑफ एक्स, टी और एक्स राइट ऑफ, 1 2 3 4 हो गए। ऑन द फॉलोइंग हैज द हाइट ऑफ 18 पी, टी ग्रेटर देन यू, टी ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन आर,
आर फिर ग्रेटर देन यू हो जाएगा, तो क्यू ग्रेटर देन यू आर, फिर ये भी ठीक है, तो बोथ एस ग्रेटर देन आर, एस ग्रेटर देन क्यू, क्यू ग्रेटर देन, फिर आर ये भी ठीक है, एस ग्रेटर देन टी, एस ग्रेटर देन टी नहीं बनेगा ओनली वन, बी ग्रेटर देन वाई, बी ग्रेटर देन यू, यू ग्रेटर देन वाई नहीं है, डब्ल्यू ग्रेटर देन एक्स, डब्ल्यू ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन एक्स, ये सही है। सेकेंड नेक्स्ट है सी आई बी का बताना है, यहाँ पर एक और एक दो, इन दोनों में है इलेक्ट्रिक नहीं होगा, करंट रन पावर रन आ जाएगा। दूसरा है भाई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक यहाँ पर है सिर्फ एक में ही है, इलेक्ट्रिक ऐसे मिलेगा सी आई बी नहीं होगा, एल ई वाई, एल ई वाई नहीं होगा, डी एन और डी ओ आर, डी ओ आर, डी ओ आर नहीं होगा, डी एन हो जाएगा इसका। इनफ पावर, इनफ पावर यहाँ पर सिर्फ लास्ट वाले में एक्स एल, एक्स ए एल जो कि है ये रहा एक में ये ठीक है, एक्स एल एल आई एस आर आई एन नहीं होगा, सी आई बी नहीं होगा। पावर का पावर एक और एक दो, इन दोनों में सी आई बी, एल ई वाई, डी ए एन ओ डी और आर, एक्स एल और एल ई वाई ठीक है। एंड का बताना है, एंड का ये रहा एक और किसी में, एक इसमें दो, एक्स एल एल आई एस, एल आई एस हो सकता है, फिर आर आई एम और सी आई बी नहीं। इफेक्ट का एल आई एस होगा नहीं, वोज रिम, वोज का देखते हैं, वोज एक ये रहा तो रिम नहीं बनेगा ये। करंट का, करंट एक दो, दो में है, और करंट का डी ओ आर, डी ओ आर हो सकता है भाई, सी आई भी नहीं होगा, एल आई भी, डी एन ई हो जाएगा, डी ओ आर। फैमिली जो कि एट मेंबर है, द बोथ नन ऑफ द पेरेंट्स आर, द नंबर ऑफ द मेल इज मोर देन द फीमेल, डी इज हस्बैंड, डी इज हस्बैंड ऑफ एच, और जी इज द वाइफ ऑफ एफ, एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, सी इज द सन ऑफ पी, सी इज द सन ऑफ ई हो गया, एंड सी इज द सिबलिंग ऑफ एच, सन ऑफ पी एंड सिबलिंग ऑफ एच हो गया। फिर क्या है, ई इज द हस्बैंड ऑफ बी, ई जो कि है भाई हस्बैंड है बी के, फिर बी हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, जो कि डॉटर इन लॉ ऑफ जी, यहाँ पर ए है, तो एक दो तीन चार बराबर हमें करना नहीं है, तो बराबर ही हो गया, तीन हो गए, पीछे सात आठ बन गया ही हमारा। नो सिबलिंग, एफ के सिबलिंग नहीं है, सही बात है, बट जी का, जी के सिबलिंग है, तो ये गलत। ए के भी सिबलिंग है, सी सी के भी सिबलिंग है, तो सिर्फ एफ आएगा। नो सिबलिंग, नो अमंग द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग एड्रेसेस ए एज अंकल, ए अंकल लगते हैं भाई इसके, ई के ई आ जाएगा, यानी कि ओनली सी, ओनली थ्री, जी और इसके तो लगी नहीं। हाउ इज एच स्पाउस, एच स्पाउस रिलेटेड टू बी सन, बी के सन से यहाँ पर, तो ब्रदर इन लॉ, हाउ मेनी पेयर, पी हो गया 16, एम एन फिर ओ पी 16, आर 18, और फिर 15, डी 4, यू 21, सी 3, ई 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं, 18, 19, 20, 21, 15, 16, 15, 16, 17 नहीं बनेगा, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बनेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा मुझे, इसको हटाते हैं। 6% है वो सिटिंग ऑन लीनियर रो फेसिंग द साउथ, ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू द डिफरेंट कंट्री, जो कि ये है। 3% सेट बिटवीन पी 1, 2, 3 और इंडिया, तो इधर हम बना लेते हैं इंडिया, 1, 2, 3 इधर मान लिया, ई 3, 2, 5 हो गए, तो ए बिलोंग्स टू द यूएस एंड सेट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू द इंडिया,
belong to the USA, million left of the India, तो ये हो गया। फिर क्या, 1% ए एंड का वन फ्रांस, ए एंड फ्रांस। एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ द एफ इज इमीडिएट राइट एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ द वन हंड्रेड फ्रांस, बी बिलोंग्स टू रशिया एंड से टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट ऑफ बी रशिया। बी बिलोंग टू द रशिया, बी रशिया इधर नहीं लगता, और कौन होता है, बी बिलोंग टू द रशिया इज इमीडिएट राइट ऑफ द डी, तीन तीन छः हो गए, डी रशिया भी नहीं होता, ये वाला तो नहीं बना, तीन तीन छः, डी बी रशिया, डी इधर आ जाएगा, फिर रशिया और बी इधर, तो ए बी सी बचा होगा वो इधर आ जाएगा, ई डजन बिलोंग टू जापान, जापान इधर आ गया, एक बच गया हमारा कौन सा, चाइना रह गया ना, चाइना है, ई बिलोंग टू द सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन बिलोंग टू चाइना, सेकेंड टू द राइट वन टू एफ। हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन सी एंड द वन हु बिलोंग्स टू द इंडिया, सी एंड द इंडिया वन टू। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द वन हु बिलोंग्स टू जापान, वन टू थ्री थर्ड टू द राइट। डी इज रिलेटेड टू द यूएसए, डी इज रिलेटेड टू यूएसए, एफ जो कि जापान, ये सी फ्रांस, फर्स्ट वाला ही गलत होगा, ई चाइना ये भी ठीक है, बी रशिया भी ठीक। रिमेंबर द पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड द वन हो चाइना, डी एंड द वन हो चाइना, तो तीन है सेम एज द ई एंड वन टू थ्री, डी जो कि इंडिया। फिर है एच इज जो कि सिक्स नॉर्थ ऑफ के, फिर एच और के का कहीं और दिख रहा है, एच ए रहा, ए इज 6 मीटर ईस्ट, और यहाँ से फिर आई जो कि साउथ में है 12, फिर वही यहाँ पर ये रहा, एफ इज 6 मीटर, आगे सी और बी हमारा अभी पता नहीं, बी और एफ ये रहा, एफ कितना है साउथ में, बी जो कि 25 साउथ ऑफ एफ हो गया, और सी जो कि 15 ईस्ट, सी इधर हो गया, डी जो कि 20 नॉर्थ, ये हो गया आई और ए भी हो गया हमारा, ई और जी ई अभी आया नहीं है, तो जी ये रहा, जी है 10 मीटर का ईस्ट ऑफ, और ई इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ, ये 11 मीटर नॉर्थ, तो छः इधर है, 6 5 11, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन के एंड ई, के और ई के बीच का हमारा यही बताना है, तो 15 इधर होगा, 10 25, यही आ गया, वाओ इतना बड़ा एक ही क्वेश्चन था। 7% है वर्क इन ए फूड मैन्युफैक्चर कंपनी है, डिफरेंट डेजिग्नेशन, द डेजिग्नेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर बिकॉज क्वालिटी, और सीनियर मोस्ट जो है फूड मैनेजर, फूड मैनेजर, फूड मैनेजर हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर एक ही हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर, R&D इंजीनियर, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, क्वालिटी एंश्योर एनालिस्ट, फिर है क्वालिटी टेक्नीशियन, तो तीन तीन छः और एक सात हो गए ना, ये जो सिंगल वेरिएबल है, ओनली 2% आर सीनियर टू द ई, ए इज इमीडिएट जूनियर, जूनियर टू डी, बट सीनियर टू द डी, सी सीनियर टू एफ,
इज इमीडिएट जूनियर टू जी बट सीनियर टू द डी हो गया। द डेजिग्नेशन ऑफ डी इज नाइदर फूड फूड टेक्नोलॉजिस्ट और क्वालिटी टेक्नीशियन। डी इन दोनों में से कोई होगा नहीं, तो डी हमारा या तो ये बचेगा, डी अगर ये आ गया तो जी और ए इधर भी आ सकता है, या डी इधर आ गया तो जी और ए इधर आ सकता है, या फिर डी इधर आ गया तो जी और ए सिर्फ यही बनेगा, ये खत्म। अब सी और एफ आगे तो एज मेनी पर्सन जूनियर टू द डी सीनियर टू द बी, ये खत्म। तीन तीन ये भी खत्म, फिर सी और एफ ये बन गया। सीनियर मोस्ट जो है हमारा सी है। इफ ए इज रिलेटेड टू फूड टेक्नोलॉजी, एफ इज रिलेटेड टू क्वालिटी टेक्नीशियन, द नंबर ऑफ द पर्सन सीनियर टू द ई इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू द ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, द डेजिग्नेशन ऑफ जी इज जी जो है क्वालिटी, ये फॉल्स है। एफ इज द जूनियर मोस्ट, ये ठीक है। सी इज द सीनियर इमीडिएट सीनियर, ये भी ठीक है। ओनली 3% आ जूनियर टू, ये भी ठीक है, तो वही गलत है। ए बी सी डी हो गया। फिर ई एफ जी एच आई जे के एल बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। मैं ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स हो गया, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर एन हो गया तो एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, फिर कौन सा गलत हुआ भाई। डी फोर हो गया, फाइव और एल जे के एल हो गया 12, 2 4 दो चार, और यहाँ से जे इधर 11 हो गया, वो हो गया 15, 17 ये हो गया, और एक्स वाई फिर जेड 26, 24 हो गया, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये गलत हुआ ना। इधर 6 हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है, फिर इधर का इधर 6 और 1 7 हो रहा है। एफ जी एच आई जे के एल पहला गलत है यार। इन एन कंपटीशन ऑफ 29 एथलीट्स, ठीक है, और आईसीएसए हिट टोलेस्ट पर्सन, तो 8 अगर इधर है तो यहाँ पर कितने बच गए, 21 बच गए ना, राइट साइड बच गए 21। फिर गेस इज टोलर देन द जी इज टोलर देन आर बट शोटर देन ई, ये ही है इधर। इफ इनिशियल इज द 13 शॉर्ट एंड द ग्रे इज इमीडिएट टोलर, तो यहाँ पे 13 और ये 14 हो गया, ठीक है। देन ग्रेस के हमें बतानी है कौन सा होगा, तो यहाँ पर 13 ही हो गया, 14 ही हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 7 और बचेंगे यहाँ पे, 8 और 7 15, तो नहीं है तो 16 हो जाएगा। ये टोलेस्ट पर्सन अगर 16 ये हो गया 14, और रिचल इज इमीडिएट शॉर्टर देन द रिचल इज द 13 शॉर्टेस्ट पर्सन, 13 14 हो गया, 14 इधर हो गया, 6 और 1 7 ठीक है, 16 ही होगा। और 8 बॉक्सेस का कैप होगा, स्टैक में नंबर होगा, बॉटम मोस्ट इज 1, 8 7 6 5 4 3 2 1, काफी टाइम वेस्ट कर दिया उस क्वेश्चन में, इतना नहीं करना चाहिए था यार। 4 बॉक्सेस आर बिटेन एन और एस, पी इज गेट इमीडिएट अबोव, पी इज इमीडिएट अबोव द टी, 2 बॉक्सेस गेट बिटवीन एस एंड ओ, एस एंड ओ विच इज गेट बिलो द एन, ओ इज गेट बिलो द एन, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने, 4 ही बोला है, तो एन और एस को फिर कैसे बनाएं। और टी इज नॉट केपेबल ना इवन नंबर पोजीशन, टी इवन पर आएगा नहीं, टी हमारा आएगा ओड पर,
टी जो कि ऑफर है, टू बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन टी और एम, क्यू इज बिलो द आर बट अबो द एम, तो भी इसको हम स्टार्ट कहाँ से करें? फिर ओ, लेकिन एन आएगा ऊपर, तो एन इसने बोला है कि आएगा ऊपर, एन 1 2 3 4 हो गया एस, तो क्या हो सकता है, एक बार हम एन इधर बनाते हैं, 1 2 3 4 एस इधर आ गया मान लेते हैं, नीचे दो पॉसिबल है नहीं, तो इधर ही आएगा 2, फिर इधर आ गया एस, ओ एन के नीचे ही आएगा क्योंकि फिर हमारे पास क्या बचता है, टी, टी इधर आ नहीं सकता, टी आएगा इधर, पी आ गया हमारा इधर, और क्या बचा, ये हो गया हमारा, ये हो गया, एल हो गया, ये हो गया, फिर आर क्यू और एम, आई थिंक पूरा हो गया हमारा, एम ओ टी में 2%, ये भी करेक्ट हो गया, पहली बार में बोल गया, हाउ मेनी बुक्स आर केप्ट, आर और एस 1 2 3 तीन होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द बॉक्सेस आर रिलेटेड टू इच अदर, ठीक है, एन और ओ एक का गैप, आर और क्यू एक का गैप, एम और पी इससे कंफर्म भी हो जाएगा सही बनाए, एस ओ टी ओ और पी, ओ एंड पी गलत हो गया, अभी इधर कंफर्म भी हो गया हमारा सही, ऑल द बॉक्सेस आर कैप्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू द बॉटम रिमेन फॉर सेम पोजिशन, तो यहाँ से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो दो हैं जो कि सेम पोजिशंस पर हैं, क्यू इज इमीडिएट अबो, क्यू इज इमीडिएट अबो द एम एंड इमीडिएट बिलो ओ, एम और ओ ट्रू बताना है, क्यू आर इज टॉप मोस्ट नहीं है, थ्री बॉक्सेस क्यू और पी नहीं आएगा, एन इज इमीडिएट अबो एम ये भी नहीं आएगा, ओनली 2% बिलो द एम, सी सही है, देन हमारे पास इसको मार्क करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एक इसको भी हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, करने लायक है ये बिलो द डेटा टू सिटीज, जो कि आई थिंक यही क्वेश्चन हम पहले कर ही लेते हैं, मार्क क्यों करना है, गिवन बिलो द डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द पीपल ऑफ टू सिटीज, टू सिटीज हु लाइक द इंडियन फूड, चाइनीज फूड एंड इटालियन, इंडियन चाइनीज और इटालियन, ए और बी, ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ द पीपल इन सिटी, ए इज 5600, ये हो गया 6000, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक द चाइनीज फूड ए टू बी चाइनीज 5:6, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक द इंडियन फूड, इंडियन फूड बी इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पीपल, तो इसका 26 × 12 हो गया, एवरेज नंबर ऑफ द पीपल, एवरेज नंबर ऑफ पीपल, एवरेज नंबर ऑफ पीपल इन ए एंड बी हु लाइक्स इंडियन फूड 14 × 28 28 हो गया, तो इधर 1600 तो आ जाएगा, फिर तो टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक चाइनीज फूड बी इज चाइनीज फूड बी सेम एज द इंडियन, द वन हु लाइक इंडियन एंड इटालियन पुट टुगेदर इन बी, इंडियन एंड इटालियन इन बी, इंडियन और इटालियन हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग विद द रेशियो होगा, तो ये हमें पता चल गया कि ए और बी में 5 और 6 का रेशियो है, फिर एक चीज हम कर सकते हैं, इधर से 1600 गया तो इधर बचेगा 4000, तो ये कितना बचेगा हमारा 4000 − 5x, और इधर से 12 48, 4800 − 6x किया गया, फिर इधर क्या बोला, टोटल नंबर पीपल हु लाइक द चाइनीज फूड इन बी, चाइनीज फूड बी जो कि 6x है इज सेम एज द पीपल हु लाइक इंडियन और इटालियन टुगेदर इन बी, इंडियन एंड इटालियन जो कि ये दोनों है, अच्छा ये जो टोटल नंबर पीपल हु लाइक चाइनीज फूड बी सेम एज द इंडियन एंड इटालियन लाइक द बी,
हाफ हाफ हो गई, यानी कि 3,000 होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 1,800, तभी ये इतना होगा, तो 6 5 या 5 हो जाए 25 आ गए इधर, बस्ता कितना था इधर 4,000, तो इधर आएगा 1,500, ठीक है ये बन गया हमारा, ये कितना बना 0055 हो गया, 003 33 हो गया। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इंडियन और इटालियन, ए इंडियन इटालियन 3100 इज मोर और लेस देन द पीपल हु लाइक चाइनीज इन बी, चाइनीज इन बी 1,100 इन सिटी ए। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इंडियन फूड, सिटी ए जो कि इंडियन फूड इज 1% ऑफ द इज 1% ऑफ द चाइनीज फूड, 1,600 2,500 ये घटिया, 4,164 एवरेज ऑफ द ए बी और सी इंडियन फूड्स का है 4,500, तो सी में कितना हो जाएगा 1,700, वेरीफाई द 17 ही आएगा, रेशियो ऑफ द इटालियन ए और बी, इटालियन जो कि ए और बी है 5:6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक चाइनीज इन ए, चाइनीज इन ए एंड द इंडियन इन बी, तो यहाँ पे 1,300 यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस प्लस यानी कि वाई इज ग्रेटर देन होगा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग 45x² -43x +5 2 10 = 0, नीचे वाले में 14 42 y² +11y -3 = 0, तो यहाँ पर हमारा 15 बन गया और दूसरी तरफ बना 14 प्लस प्लस इंटू में करेंगे 14 माइनस प्लस इंटू में करेंगे 15, तो 9 5 45 5 2 25 9 2 18 बन गया, तो 25 × 14 करेंगे इधर भी 14 करेंगे, तो यहाँ पे तो गया 16 256, 56 - 252 ये हो गया 14 5 7 14 28 8 7 5 350, 7 6 42 और 3 6 3 7 और 15 7 105 और 15 8 120, 15 1 15 270, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा सीधा सा, इसमें ये दोनों खत्म हो गए बेचारे, दूसरी तरफ इधर ये हो जाएगा उस तरफ जाएगा, तो 9 x बन जाएगा ये, और 9 4 4 1 5 6 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू होगी हमारी 6, इस तरफ 25 और 19 जाएगा 6 आ गया, तो दोनों ही 1 सेकेंड, ये जो बनेगा अंडर रूट प्लस माइनस, तो एक्स इज ग्रेटर देन बन जाएगा ये तो एक्स बनेगा, लेकिन नीचे वाला जो एक्स स्क्वायर बनेगा ये 35 होता है, 35 और ये 19, तो 16 प्लस माइनस 4, इस वजह से वो जो है डिफरेंट हो गया, तो 4 होगा, 4 5 9 6 होगा, सही है। इसमें देखते हैं अब यहाँ पर इंटू में इधर 5 किया, इंटू 5 डिवाइड बाय 0.5 × 3 अगर मैं करता हूँ तो 1 3 5 × 5 डिवाइड बाय 3, फिर इंटू में 135 × 6 5 25 2 65 7 इंटू फिर 5 किया, फिर डिवाइड बाय 3 करना होगा, तो 3 करेंगे 2 2, और फिर 5 होना चाहिए था जो कि 220 नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पे नेगेटिव जो कि 8 आ गया, और फिर यहाँ पे 16 में से 8 गया तो 8 2, फिर नेगेटिव लिया 2 4 और 1, फिर माइनस किया तो 12 में से 4 आ गया, और यहाँ पर 13 13 में से 4 3 7 74, ये कितना डबल पॉइंट हो रहा भाई, चलो देखते हैं, 6 इधर किया 6 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर इधर करेंगे तो ये कितना बनेगा 16 17, फिर 18 18 2 36, 36 2 72 इंटू 2 प्लस 2 किया इंटू 2, ये बेहतर होता, और फिर 2 2 4, पहला तो है सही 4 4 2, ये गलत हो गया, प्लस में करेंगे 2 3
यहाँ से प्लस किया तो 4, 3 फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर 16, तो ये 22, 8, 38 हो गया। फिर यहाँ पर 2 है, फिर 4 हुआ, 1, 2, 3 हो गया, फिर यहाँ से 6 और इधर आया 5, 5 आएगा क्या, 5 में 4 आएगा, सॉरी 2, 4, फिर 8 कर दिया इसने, फिर यहाँ पे 2, 4, 8, फिर 16 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो 2 और इधर 4, 5, 6 जो कि नहीं है, तो लास्ट वाला गलत हो गई, इनटू में 2 फिर इनटू 3 होना चाहिए था इधर, या फिर क्या होगा यहाँ पर भी, या तो 3 पूरा 3, 3 चलना चाहिए था, तो 2, 2 आना था इधर, चलो इसको देखते हैं, इनटू 3 करते हैं तो इन तीनों तीन दोनों 6 माइनस का इनटू 3 माइनस 3 हो गया, तो 66 इनटू 3 छेती 18, 1 6 18 19 इनटू 3 माइनस 2 196, 3 6 18 19 15 758 हो गया, इनटू 3 माइनस यहाँ पे हुआ 6। अगर चलो आगे भी देख लेते हैं, 5 8 2 इंटू 3 3 6 8 3 24, 2 5 16 17 इंटू 3 माइनस 3 हुआ, इंटू 3 माइनस 3, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये गलत लग रहा है मुझे, 4 3 3 3 9 4 3 12 1 52, तो पहला तो है सही इंटू 3 माइनस 3, लेकिन 196 इज रॉन्ग। नेक्स्ट है -4 किया, फिर -5 4 9, फिर माइनस किया तो यहाँ पे 25, फिर माइनस करेंगे तो 49 हुआ, फिर माइनस तो 2 3 5 7, सिंपल सा है कि भाई लास्ट वाला ही गलत मिलेगा, और तो कोई है नहीं, करने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पर है भाई 15, तो ये हो गया 15 25, फिर माइनस किया 0 5, फिर माइनस करेंगे तो इधर से आएगा 5 आएगा, और 303 ये है तो 3 इधर से 3 6 7 हो गया, फिर माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे 100 आना चाहिए था जो कि मुझे तो नहीं लग रहा है 100 है ये, एंड यहाँ पे 60 38 90 है, तो इसका मतलब 1 2 3 सही है, 70 वाला गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जो कि है 1 2 3 4 6 हो गई है, और है क्या भाई टोटल टोटल वर्किंग आवर ऑफ एम्प्लॉइज, क्या बात है इसमें वो ही नहीं है हमारे पास, वाह चलो जल्दी से करते हैं, फाइंड आउट द फाइंड टोटल वर्किंग आवर ऑफ द ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर है 16, द अकाउंटेंट जो कि 21, 7 3 इंटू में 320, तो यहाँ पर 32 आएगा, 7 2 14 का 4 आएगा, 14 का 4 किसमें है भाई, ये क्या बात है, मैनेजर इन 2 वीक्स, 2 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 37 और 64, 7 6 28 है किसी में ये रहा, तो ब्रांच मैनेजर वो ये जो है 1 वीक का है ना, पर वीक का है डाटा, तो 2 वीक साथ 2 से मल्टीप्लाई, द ब्रांच मैनेजर इज ऑन 3 डेज लीव, फाइंड देन फॉर हाउ मेनी आवर 2 वीक्स, तो यहाँ पर किसके बात, ब्रांच मैनेजर की 16 पर वीक में, इसका ये इतना परसेंट ही करता है, ठीक है 16 2 32 3, यहाँ पे 16 43 49 50 51.2 करता है, लेकिन इसका हम 6 से डिवाइड करेंगे और कितने से, थ्री डेज तो इसका भी हाफ कर देंगे सीधा सा 1/2, तो 2 कर दिया तो 25, 25 तो 1 आ गया, फिर 0.6 ये आएगा, ऐड कर दें 0.8, 5 और 6 76.8, ये टोटल वर्किंग आवर ऑफ अकाउंटेंट पर वीक, अकाउंटेंट का है जो कि
21 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल वर्क इन आवर क्लर्क क्लर्क के हमारे 20 जो कि 1/20 5% इज द टोटल वर्किंग वर्किंग आवर ऑफ लोन ऑफिसर इन 2 वीक्स इज दिन 16 दो दिन 4 एक 5 320 का ये मोर देन द असेट मैनेजर देन द फाइनेंशियल की हमें बतानी ये गया 3 2 6 2 12 का 2 1 6 3 18 1 19 5 2 10 9 आ गया 2 10 16 17 तो ये बनेगा एंड ये जो है मोर है 94.4 यहाँ से 12 में से 8 आ गया फिर 4 आएगा यहाँ पे 84 आना चाहिए ना 84 तो मुझे कहीं पे दिख ही नहीं रहा लोन ऑफिसर जो कि है भाई 8 2 16 2 4 5 320 6 2 12 1 6 3 18 19 5 2 10 9 आए 2 5 3 15 16 17 इतना आवर्स मोर वर्किंग टोटल मैनेजर पर वीक मैनेजर मतलब ब्रांच मैनेजर तो असिस्टेंट मैनेजर ही हो गया ब्रांच मैनेजर का कितना आएगा 16 ये है तो 16 × 32 16 दुनी तो यहाँ से 16 दुनी 32 का 2 3 16 के 8 4 5 6 51 51.2 ये आ गया 0 5 में 6 फिर 8 5 13 136 घंटे आएगा वर्किंग आवर ऑफ द जीएम इज 10/7 टाइम्स ऑफ द वर्किंग आवर ऑफ द क्लर्क एंड फाइनेंस क्लर्क का 20 एंड फाइनेंशियल ये हो गया 15 तो यहाँ पे आएगा 5 35 50 तो 50% 160 हो गया तो 16 44 10/7 ऑफ द पर वीक 35 × 32 होता है 35 × 32 5 50 तो ये हो गया 8 2 4 3 12 तो ज्यादा नहीं आ रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्किंग आवर ऑफ द क्लर्क पर वीक क्लर्क का 20 टू द फाइनेंशियल फाइनेंशियल एडवाइजर है 15 जो कि ये होगा 1.5 10 कर देते हैं इधर तो ये कितना बन जाएगा हमारा 3 2 2 उधर चला जाएगा तो ये कितना 4 आ गया 3 4 2 8 3 3 2 ठीक है यहाँ पर देखते हैं सम ऑफ द नंबर ऑफ द कैटल्स जो कि पी क्यू और एस में तो 0 4 4 8 9 तो यहाँ पे हो गया 8 17 1780 हो गया कैटल जो कि क्यू कि 600 ये हो गया एंड द इंडक्शन इन आर आर का इंडक्शन 800 तो ये हो गया 16 4 16 15 4/4 रेशियो द नंबर ऑफ द स्टोव सोल्ड बाय द क्यू इज सेम एज द स्टोव जो कि क्यू सेम एज द एवरेज नंबर ऑफ कैटल इंडक्शन इन क्यू तो यहाँ से 520 बन गया स्टोव जो कि क्यू का एवरेज नंबर ऑफ द स्टोव क्यू और आर क्यू और आर होता है 360 0 8 8 4 4 0 में ठीक है अब ये देखते हैं द नंबर ऑफ द स्टोव्स पी पी में जो है स्टोव्स जो है 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ द इंडक्शन सोल्ड नंबर ऑफ द इंडक्शन सोल्ड इंडक्शन है स्टोव जो है 2/5 ऑफ द इंडक्शन ठीक है एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द कैटल्स एंड स्टोव्स कैटल का है 120 हो गया तो बात ये 36 स्टोव्स का 36 हो गया 18
पंजे 90, 900 इंडक्शन हो गया 900। कितना नंबर ऑफ द इंडक्शन इंडक्शन जो कि सोल्व बाय द एस एस में जो है इंडक्शन इज 24% मोर देन द इंडक्शन सोल्व बाय द आर। इंडक्शन जो कि आर होगी 8 × 24 8 × 32 का 2 3 8 16 17 18 19 19 और ये 800 09 9 हो गया। तो जन कैटल एंड इंडक्शन एस कैटल हो गया 9 × 18। अरे यार दो गलत भी हो गए अभी भी, ये कैसे गलत हुआ है? वो वी ग्रेटर देन वाई, वी ग्रेटर देन यू, यू ग्रेटर देन वाई तो नहीं बन रहा। अच्छा दूसरी तरफ से बन रहा है, ये मिस्टेक हो गई इसमें। ठीक है दूसरा और क्या है, एक ये गलत हो गया। ये क्या था, ये रहा हमारा द नंबर ऑफ द पर्सन बिलोंग्स सिटिंग बिटवीन डी एंड द जापान, जापान का ये हो गया डी इधर हो गया 2 और मैंने 3 बना दिया था शायद, ए यूएसए नहीं। द नंबर ऑफ द पीपल बिलोंग्स डी एंड द वन हु बिलोंग्स टू द जापान इज सेम, डी एंड द जापान ऑफ डी इधर था और जापान इधर, तो एक का गैप था। ठीक है भाई दूसरा एक ये वाला यही आना था, टिक टिक करना रह गया था बस ये, बाकी हो गया था। पहले वाली जो डी आई थी वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, है ना। अब देख लेते हैं ओवरऑल क्या बना है हमारा, 60 पॉइंट समथिंग बने हैं स्कोर। तो मॉक टेस्ट नंबर 4 हमने किया था, 2 गलत हो गए, एक्यूरेसी थोड़ी सी मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो भाई कहाँ पर है, 30,000 समथिंग ने दिया, 31,000 ने, तो 951 ने का ही है, एंड परसेंटाइल जो बना है 97। आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करना, बताना तो क्या स्कोर रहा इसमें। क्वांट थोड़ा सा इजी था, अगर रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम और कम लगता तो क्वांट और ज़्यादा बेटर हो सकता था, और भी अच्छा स्कोर मैं कर सकता था फिर। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।